वंडरस्लेट में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो विवरण में दिया गया है। आज का क्विज विषय है 19th नवंबर करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसने एटीपी फाइनल का खिताब जीता है? ऑप्शन ए स्टेफानोस सिटिपास, ऑप्शन बी रोजर फेडरर, ऑप्शन सी राफेल नडाल, ऑप्शन डी डोमिनिक थीम। सही जवाब है ऑप्शन ए स्टेफानोस सिटिपास। ग्रीक टेनिस खिलाड़ी स्टेफानोस सिटिपास ने 17 नवंबर 2019 को ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम को हराकर एटीपी फाइनल जीता है। एटीपी फाइनल में यह सिटिपास की शुरुआत थी। सेमीफाइनल में उन्होंने रोजर फेडरर पर जीत दर्ज की है। क्वेश्चन नंबर 2। इतालवी गोल्डन सैंडार्ट अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए एम एफ हुसैन, ऑप्शन बी राजा रवि वर्मा, ऑप्शन सी नंदलाल बोस, ऑप्शन डी सुदर्शन पट्टनिक। सही जवाब है ऑप्शन डी सुदर्शन पट्टनिक। रोम में एक समारोह के दौरान सुदर्शन पटनायक को इतालवी गोल्डन सैंडार्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह ओडिशा के एक प्रसिद्ध कलाकार हैं। पटनिक ने इस सप्ताह के प्रारंभ में लेसे इटली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्कोरानो सैंड नेटिविटी कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस आयोजन में पटलैक को रूस के पवेल मिनिलकोव ने शामिल किया क्योंकि उन्होंने अपनी 150वीं जयंती पर महात्मा गांधी की 8 फुट ऊंची रेत की मूर्ति बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय सेना द्वारा सिंधु सुदर्शन व्यायाम किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी राजस्थान। सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थान। दक्षिणी सेना की हड़ताल को ने राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में सिंधु सुदर्शन व्यायाम शुरू की और लगभग 40,000 सैनिक अभ्यास में भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास का उपयोग रेगिस्तानों और अर्धविकसित इलाकों में एक तेज तीव्र और गहरी हड़ताल को अंजाम देने के लिए अपने युद्ध कौशल को विकसित करने के लिए किया जाता है। इस अभ्यास में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड्स, हेलमेट माउंटेड जगहें और नाइट विजन गॉगल से लैस नए शामिल सशस्त्र हेलीकॉप्टर रुद्र को मशीनीकृत संरचनाओं के युद्धाभ्यास के साथ एकीकृत किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित एथलीटों में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIIBA के पहले एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए मैरी कॉम, ऑप्शन बी सरिता देवी, ऑप्शन सी सिमरनजीत कौर, ऑप्शन डी पिंकी रानी। सही जवाब है ऑप्शन बी सरिता देवी। मणिपुर की लेशराम सरिता देवी उन 5 महाद्वीपों के 6 मुक्केबाजों में शामिल हैं जिन्हें AIIBA एथलेटिक्स आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया था। वह क्षेत्र से एकमात्र उम्मीदवार के रूप में इस पद के लिए दौड़ में थी। आयोग 5 क्षेत्रीय संघों एशिया, ओशनिया, यूरोप, अमेरिका और यूरोप में से प्रत्येक में एक पुरुष और एक महिला मुक्केबाज की सुविधा देता है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 6वें आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इंडिया। सही जवाब है ऑप्शन बी थाईलैंड। 6वें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया जाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ आसियान के रक्षा मंत्री बैठक प्लस ADMAM प्लस देशों के 17 अन्य रक्षा मंत्री बैठक में भाग लेंगे। जकार्ता, इंडोनेशिया आसियान का मुख्यालय है और वर्तमान कुर्सी थाईलैंड के पास है। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में
भारत सरकार द्वारा आगमन सुविधा पर निम्नलिखित में से किस देश के नागरिकों को वीजा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कुवैत, ऑप्शन डी कनाडा। सही जवाब है ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात। भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के नागरिकों के लिए आगमन सुविधा पर वीजा बढ़ाया। वीजा ऑन अराइवल यूएई के नागरिकों को व्यापार, पर्यटन, सम्मेलन और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए दोहरी प्रविष्टि के साथ 60 दिनों तक की अवधि के लिए उपलब्ध है। यह सुविधा 6 नामित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों अर्थात बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित न्यायाधीशों में से किसने झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर, ऑप्शन बी जस्टिस सप्रेश कुमार सिंह, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद, ऑप्शन डी जस्टिस रवि रंजन। सही जवाब है ऑप्शन डी जस्टिस रवि रंजन। झारखंड का उच्च न्यायालय भारत के सबसे नए उच्च न्यायालयों में से एक है, क्योंकि झारखंड बिहार राज्य के पुनर्गठन के माध्यम से वर्ष 2000 में बना था। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का पद कुछ समय के लिए रिक्त रहा, जब तक कि न्यायमूर्ति रवि रंजन ने शपथ नहीं ली। नए मुख्य न्यायाधीश हाल ही में झारखंड ने 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। क्वेश्चन नंबर 8। सड़क यातायात पीड़ितों के लिए 2019 का विश्व दिवस अंडरस्कोर पर देखा गया है। ऑप्शन ए 24 नवंबर, ऑप्शन बी 17 नवंबर, ऑप्शन सी 27 नवंबर, ऑप्शन डी 21 नवंबर। सही जवाब है ऑप्शन बी 17 नवंबर। सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व दिवस की शुरुआत रोड पीस द्वारा 1993 में शुरू की गई थी। 2005 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे प्रत्येक वर्ष नवंबर में प्रत्येक तीसरे रविवार को मनाया जाने वाला वैश्विक दिवस के रूप में समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 9। WHO के अनुसार दुनिया में अंडरस्कोर के करीब लोग मिर्गी से पीड़ित हैं। ऑप्शन ए 70 मिलियन, ऑप्शन बी 30 मिलियन, ऑप्शन सी 90 मिलियन, ऑप्शन डी 50 मिलियन। सही जवाब है ऑप्शन डी 50 मिलियन। मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो लक्षण और लक्षणों की तरह होती है। बरामदगी, अस्थायी भ्रम, एक घूरना जादू, जागरूकता का नुकसान, भय और चिंता, अनियंत्रित मरोड़ते हुए आघात। क्वेश्चन नंबर 10। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का उद्घाटन संस्करण जैरल बहार समुद्र का गर्जन भारत और अंडरस्कोर के बीच है। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी कतर। सही जवाब है ऑप्शन डी कतर। कतर और भारत ने कतर के तट से जायर अल बहार नाम का अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया। इस अभ्यास से दोनों देशों को सहयोग जारी रखने और समुद्री डकैती, आतंकवाद का मुकाबला करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करने की क्षमता में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 11। मुख्यमंत्री सेप्टिक टैंक सफाई योजना, जिसे हाल ही में समाचार में देखा गया था, हाल ही में अंडरस्कोर द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी यूपी, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी पंजाब। सही जवाब है ऑप्शन सी दिल्ली। योजना के तहत
दिल्ली में सेप्टिक टैंकों की सफाई और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए लगभग 80 ट्रकों को प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ तैनात किया जाएगा। यह उचित सेप्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के साथ साथ स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। लगभग 45 लाख नागरिक ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जो सेप्टिक टैंक पर निर्भर हैं। क्वेश्चन नंबर 12। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सांस नाम से एक अभियान शुरू किया है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ब्रेन हेमरेज, ऑप्शन बी निमोनिया, ऑप्शन सी अल्जाइमर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी निमोनिया। सांस अभियान सामाजिक जागरूकता और न्यूमोनिया को बेअसर करने के लिए कार्रवाई के लिए खड़ा है। निमोनिया एक संक्रमण है जो हवा के थक्के कुए क्या दोनों फेफड़ों में प्रवाहित करता है। बैक्टीरिया, वायरस या कवक से निमोनिया हो सकता है। शीर्ष कारणों में शामिल हैं फ्लू वायरस, कोल्ड वायरस, RSV वायरस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया नामक बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 13। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एडिक्शन मेडिसिन ISAM 2019 की 21वीं वार्षिक बैठक हाल ही में अंडरस्कोर ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी नागपुरी। सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली। इस सम्मेलन का आयोजन मनोचिकित्सा और राष्ट्रीय औषधि निर्भर उपचार केंद्र NDDTC और AIIMS नई दिल्ली द्वारा किया गया था। सम्मेलन का विषय था एक तेजी से बदलती दुनिया में नशा डंडा। क्वेश्चन नंबर 14। एशियाई डेवलपमेंट बैंक ADB और भारत सरकार ने विजयनगर चैनल सिंचाई प्रणालियों को आधुनिक बनाने के लिए अंडरस्कोर इन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन ए $56 मिलियन, ऑप्शन बी $91 मिलियन, ऑप्शन सी $21 मिलियन, ऑप्शन डी $171 मिलियन। सही जवाब है ऑप्शन बी $91 मिलियन। निवेश कार्यक्रम में दो परियोजना ऋण शामिल हैं। यह कर्नाटक की जल एजेंसियों को प्रभावी नदी बेसिन प्रबंधन योजना बनाने में मदद करेगा। विशेष रूप से ADB एक समृद्ध, समावेशी, लचीला और टिकाऊ एशिया को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 15। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन IAAF अब अंडरस्कोर के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन ए ग्लोबल फेडरेशन ऑफ एथलीट, ऑप्शन बी विश्व एथलेटिक्स, ऑप्शन सी एथलेटिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी एथलीट एक्सपो। सही जवाब है ऑप्शन बी विश्व एथलेटिक्स। नाम परिवर्तन खेल को और अधिक सुलभ बनाने का एक प्रयास है। IAAF की स्थापना 1912 में इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन के रूप में हुई थी। इसने 2001 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के लिए अपना नाम बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 16। अंडरस्कोर ने हाल ही में ऑन लोन धमाका के शुभारंभ की घोषणा की, जो ऑन द स्पॉट ऋण स्वीकृतियां प्रदान करने की पहल है। ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी HDFC बैंक, ऑप्शन डी यस बैंक। सही जवाब है ऑप्शन बी ICICI बैंक। इस महाऋण धमाका पहल के तहत बैंक देश भर में महाऋण शिविरों का आयोजन करेगा। बैंक ने गुजरात में बनासकांठा जिले के डीसा में पहले शिविर का उद्घाटन करके महाऋण धमाका शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 17। AIIB ने उपनगरीय रेलवे और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अंडरस्कोर के निवेश को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए $975 मिलियन, ऑप्शन बी $775 मिलियन, ऑप्शन सी $575 मिलियन,
Option D. $175 million. सही जवाब है. Option C. $575 million. आईन एक लंबी अवधि के परियोजना ऋण का विस्तार करेगा. $500 में मुंबई शहरी परिवहन निगम टाटा क्लीन टेक कैपिटल में $75 मिलियन का निवेश किया जाएगा. 2016 में परिचालन शुरू करने के बाद से आईब ने भारत में 13 परियोजनाओं में $2.894 बिलियन का निवेश किया है. क्वेश्चन नंबर 18. दिल्ली स्थित थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCERT ने भविष्यवाणी की है कि GDP की वृद्धि दूसरी तिमाही और पूरे वित्तीय वर्ष के लिए अंडरस्कोर के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना है. ऑप्शन ए 5.2%, ऑप्शन बी 4.9%, ऑप्शन सी 5.7%, ऑप्शन डी 5.4%. सही जवाब है ऑप्शन बी 4.9%. लगभग सभी क्षेत्रों में निरंतर मांग में कमी के कारण सितंबर 2019 की तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि घटकर 4.9% रहने की संभावना है. एनसीईआर के अनुसार फोकस राजकोषीय उपायों पर होना चाहिए. अप्रत्यक्ष कर कस्टम कर्तव्यों पर छूट को कम करने की भी आवश्यकता है. क्वेश्चन नंबर 19. भारत के अंडरस्कोर गुंटूर को एम्स्टरडैम नीदरलैंड में टैब एक्सपो 2019 कार्यक्रम में गोल्डन लीव अवार्ड से सम्मानित किया गया है. ऑप्शन ए जूट बोर्ड, ऑप्शन बी तंबाकू बोर्ड, ऑप्शन सी कॉफी बोर्ड, ऑप्शन डी चाय बोर्ड. सही जवाब है ऑप्शन बी तंबाकू बोर्ड. यह पुरस्कार भारत में प्ल्यूक्योर वर्जिनिया FCV तंबाकू की खेती में विभिन्न स्थिरता हरा पहल शुरू करने के प्रयासों के लिए दिया गया था. यह दूसरी बार है जब तंबाकू बोर्ड को सम्मानित किया गया था. 2014 में बोर्ड ने इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार प्राप्त किया. तंबाकू रिपोर्टर द्वारा तंबाकू उद्योग में पेशेवर उत्कृष्टता को पहचानने के लिए गोल्डन लीप अवार्ड का निर्माण किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 20. भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के सुदर्शन चक्र कोर अंडरस्कोर में सबसे बड़े सैन्य अभ्यास में से एक का आयोजन कर रहे हैं. ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी राजस्थान. सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थान. अभ्यास को सिंधु सुदर्शन नाम दिया गया है जो सिंधु नदी तक पहुंचने के लक्ष्य को दर्शाता है. इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक यह है कि निगरानी विनाश और समर्थन तंत्र एक नेटवर्क में परस्पर जुड़े हुए हैं. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. यदि आप इस क्विज का अभ्यास करना चाहते हैं तो अब नीचे दिए गए विवरण में लिंक पर वंडरस्लेट एप्लीकेशन डाउनलोड करें. यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट करें. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है और इसे अधिक देखना चाहते हैं तो अंगूठे को हिट करें और भविष्य के वीडियो के अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें.